हेलो दोस्तों, एक नई सुबह के साथ आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर। दोस्तों, इस फ्लावर को आप देखे ही होंगे अपने गार्डन में। किसके गार्डन में ये फ्लावर नहीं होता दोस्तों? दोस्तों, जो व्यक्ति फूलों का शौक़ रखते हैं, इस फूल वाले पौधे को ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, इसका नाम है सेलोसिया फ्लावर। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत होता है और गद्देनुमा फूल होते हैं इसको। और दोस्तों, इसमें फूल कुछ इस प्रकार के होते हैं, कलियों की तरह के होते हैं। दोस्तों, ये देखिए, अलग अलग तरह से पार्ट बटे होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार ऐसे ऐसे अलग कर सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया। ये दोस्तों, आपको ये बिल्कुल इस प्रकार के लग रहे होंगे जैसे मुर्गे के ऊपर की कलगी होती है। दोस्तों, इसीलिए इसका मुर्गा कलगी भी कहा जाता है, मुर्ग कलगी के नाम से भी जानते हैं, या तो मुर्ग केस भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो फ्लावर है, ये बहुत ही अच्छा होता है मॉडलिंग बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल वगैरह में, मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे इनको, इस तरह की कलियों को लेकर उसको अच्छी मॉडलिंग में यूज करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। और अधिकतर मैंने इसको मेरी गोल्ड के साथ में जब ये लगाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। आप अपने घर में ज़रूर लगाएं दोस्तों इस प्लांट्स को। दोस्तों, इसको ग्रो करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको ग्रो करने का तरीका होता है दोस्तों, सबसे आसान तरीका है इनके बीजों से। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर ही इनके बीज पैदा हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे इतने छोटे छोटे से बीज ये दिख रहे हैं। अब इन बीजों को मैं कलेक्ट किए ले रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इसके सीड्स हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसके बीज इस प्रकार के होते हैं। आप इनके बीजों को अपने गार्डन में सॉयल में डाल देंगे तो दोस्तों आसानी से ग्रो हो जाएंगे ये। दोस्तों, इनके ग्रो करने का जो अच्छा समय होता है वो मानसून होता है दोस्तों। जुलाई अगस्त में आप इसको बीजों से सीड्स ग्रो करेंगे और जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और ये जो फूल हैं दोस्तों, ये आपके मार्च अप्रैल तक अच्छे फ्लावरिंग करते रहेंगे दोस्तों। अगर इस समय आप इन्हें ग्रो करेंगे तो दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो होने में और इसके बाद बढ़ने में और साथ ही साथ बात को फ्लावरिंग करने में। दोस्तों, अगर आप इसको अभी ग्रो करेंगे तो ये इनके प्लांट्स छोटे छोटे होंगे और इनके जो फ्लावर्स होंगे दोस्तों, जितने बड़े ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, इतने बड़े फ्लावर्स ना लग पाएंगे और छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे जैसा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, ये जो प्लांट दिख रहा है, देखिए छोटा सा दिख रहा है, और इसको मैंने एक महीने पहले ही सीड से ही ग्रो किया था दोस्तों। अभी भी इसकी ग्रोथ इतनी ही है दोस्तों, इतने ही छोटे रहेंगे ये, और इसके फ्लावर थोड़ा थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा जितना कि पहले अगर बीज बोने से मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आप बीज मानसून के समय में ही इसको ग्रो करिए। अभी आप नर्सरी से ही प्लांट्स लाकर इसको लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस बीज को भी मैं इसी में डाले दे रहा हूँ कि ये अगले साल इसी में ग्रो कर देंगे और मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसी पॉट में रहेंगे। दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो? और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।